आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दूर दौरा है। हर तीसरा बंदा सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहा होता है। आपने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। हर एक आपको आगे बढ़ने का सबक देता होगा, कामयाबी के घर सिखाता होगा और उस तकरीर के बाद आपको अपना हौसला बहुत बुलंद महसूस होता होगा और आप समझने लगते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उस हंसी धोखे में बाज लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि कारोबार तो दूर अच्छी भली नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। मोटिवेशनल ट्रेनिंग या काउंसलिंग उस दूर की अहम जरूरत है। बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, उन्हें सुनकर मोराल बुलंद होता है। खूबसूरत और पर असर लहजा उनके अकवाल पर यकीन दिलाने में मददगार साबित होता है। अच्छाई और बराई की पहचान कराते हैं। अखलाकियात, कामयाबी, इंसानियत, अच्छाई पर मुबनी उनके टॉक्स भी अच्छे अच्छे ही होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इला अखलाकियात और इंसानियत पर इतने ज्यादा लेक्चर दिए होते हैं कि उन्हें अपना इमेज काफी ऊंचा रखना पड़ता है। अगर इमेज अच्छा न बनाया तो अवाम मुतासिर कैसे होगी। अवाम को हर हाल में आलजवेल की रिपोर्ट देनी होती है। सारी जिंदगी इनकी कोशिश रहती कि अपने निजी मामलात को आम अवाम से दूर रखा जाए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उनका फोकस हमेशा बहुत अच्छे और बहुत बड़े, बहुत कामयाब और बहुत नाकाम लोगों पर ही रहता है, जबकि ये दोनों अकलैती तबके हैं। एक और तबका जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और वो है ग्रे तबका, ग्रे पीपल्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये गलती देखा जाए तो आपकी नज़रों में ज्यादा हम न हो, लेकिन ये संगीन गलती लोगों के माइंड सेट में बहुत बड़े बगाड़ का सबब बन रही है। आप ग्रे पीपल्स के लिए कोई गंजाइश नहीं छोड़ रहे। आपके फॉलोवर के जहन में सिर्फ दो किस्म के लोगों का खाका बन रहा है, या वो नेक है, नेक नहीं तो बद है। आपने दरमियान वाले और मेजॉरिटी तबके को सरासर इग्नोर कर रखा है। आप कभी नहीं कहेंगे एक शख्स जो कभी कभार ना चाहते हुए कुछ गलत कर बैठा है, बाद में शर्मंदा हवा, तो वो गलत नहीं है। आप इसे हमेशा के लिए बुरा नहीं समझ सकते। एक शख्स जो किसी मजबूरी के तहत वादा पूरा न कर सका तो वो बदहद नहीं है। एक शख्स का कारोबार डूब गया तो वो नाकाम नहीं है। इसे अल्लाह ने किसी और फील्ड के लिए बनाया है। एक शख्स की जिंदगी में मसाइल चल रहे तो जरूरी नहीं सिर्फ वही जिम्मेदार हो। उसके इर्द गिर्द के माहौल को जाने बगैर इसे नाकाम नहीं कहा जा सकता। उनमें झूठ भी होगा, लड़ाई भी होगी, बदतमीजी, बेवफाई सब होगा। ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। आप यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स पढ़ने ह्यूम्स का नक्शा खींचकर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, देवता से मिलता जलता खाका दे दिया। कि ये खूबी हवी तो ये अच्छा है वरना बुरा समझो। दरहकीकत बात पता है क्या है, यही ग्रे पीपल्स ही दुनिया में सकून और मोहब्बत का सबब है। न अच्छे लेवल वाले किसी को सकून से जीने देते हैं, न मुकम्मल बड़े किसी को चीन से रहने देते। उस दुनिया का हसन ही उन ग्रे पीपल्स से है। ये लोग गलतियां भी करते हैं, छोटे मोटे गिनागार भी होते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर शर्मंदा होते, नादम होते, नेक काम भी नेक लोगों से ज्यादा करते हैं, आज रहते हैं, खुद को किसी से बरतर नहीं समझते। उन्हें ये गरूर नहीं होता कि हम बड़े नेक कितने फरिश्ते हैं, लिहाजा इंसान बने रहते हैं। पता है उस तबके के बारे आप भले कुछ न बोली, लेकिन उस कायनात के मालिक ने उन्हें एक बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रखी है। तुम तोबा करते रहो, माफ करते रहेंगे। तुम नादम हो तो अल्लाह को ये नदामत पसंद है। यकीन करो, अस्त और जल्द इसी के हाथ में है। वो आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ने वाला। खैर, जरा फनी टोन में वापस आते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बीवी को फोन किया और कहा, किसी ने मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग, बरीकी, एक्सीलेटर, गियर सब चोरी कर लिया है। मतलब उस दुनिया को कैसे सुधारा जाए। जाहिर है मैं पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाऊंगा, लेकिन मुझे बतौर एक दर्मंद इंसान सारे पहलुओं पर गौर भी करना है कि उस राय के पीछे क्या क्या मुहरकात हैं। क्या बेरोजगारी है या तरबीत की कमी, डिप्रेशन या फिर कोई नफसियाती मसाइल। मुझे उस पर बात करना होगी कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे उस पर बात करनी होगी कि लोग ऐसा करना किस तरह छोड़ सकते हैं। क्या इसबाब हैं जिनकी वजह से ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे में रोनमा होते हैं। अब मुझे ये नफसियाती ग्रहें खोलनी होंगी। लोगों को बताना होगा कि वो किस तरह बेहतर इंसान बन सकते हैं। बीवी ने कमाल सुबर और मुतानत से जवाब दिया, हो गया, बोल चुके, अब मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है कि शायद तुम पिछली सीट पर बैठ गए हो। एक मिनट के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया।
उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर की इंतहाई धीमी आवाज आई, तुम ठीक कह रही हो, मैं पिछली सीट पर ही बैठ